देखो भाई, अब हम करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। ये हमारे पास एक स्फेरिकल कैपेसिटर है जिसकी रेडियस आर है, ठीक है। चार्ज कितना है? प्लस क्यू। इस स्फेरिकल कैपेसिटर पर जितना भी कैपेसिटेंस है वो कहाँ होगा? इसके सरफेस पे होगा। यही हमने जानना है कि स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा, ठीक है। जो रेडियस आर है इस कैपेसिटर की, वो हम देखो यहां से, मतलब इतना बड़ा है ये, ठीक है, आर रेडियस का। और इसमें चार्ज है, जो वो चार्ज है वो कितना है? क्यू। तो देखो भैया, हमें पता है, अभी अभी बात करी थी कि सी इज इक्वल टू क्यू बाय वी। ये हम जानते हैं कि जो कैपेसिटेंस है वो क्या हमारे पास है? सी क्यू बाय वी है, ठीक है। जब पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज एट एनी पॉइंट और फ्रॉम डिस्टेंस आर, जब हमने पोटेंशियल निकाला था तो वो कितना था? पोटेंशियल एट पॉइंट पी फ्रॉम ऑन आर डिस्टेंस, तो कितना था भाई? के क्यू बाय आर, है ना। मतलब कि क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इतना था। ये इक्वेशन हो गई सेकंड। अगर मैं इस सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में पुट कर दूं, पुट इक्वेशन टू इन वन, तो क्या होगा? करके देख लो, होगा क्या? क्यू सी इज इक्वल टू क्यू बाय, ये हमने रखना है यहां पे, क्यू इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। क्यू से क्यू कट गया, हमारे पास कैपेसिटेंस बच गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। ये क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। मतलब कि जो कैपेसिटेंस होगा, कब? जब हमारा कैपेसिटेंस कहां रखा हुआ है? कि फ्री स्पेस में रखा हुआ है, तो ये कैपेसिटेंस हो जाएगा भाई हमारा, ठीक है। अगर इसकी जगह कोई मीडियम ले लेते तो क्या? देखो ये सी ही ठीक है, अगर कोई मीडियम ले लेते तो सीधी सी बात क्या हो जाता? कैपेसिटेंस ऑफ इन एनी मीडियम, देन इट विल बी 4 पाई एप्सिलॉन m r, ठीक है। कब हो जाता ये? जब एक मीडियम की बात कर रहे थे, ठीक है। परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आप लोग ये जानते हो कि जो कांस्टेंट होता था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, देखो अगर इसमें कोई ऐसी चीज डाल देंगे हम, ठीक है, जो डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक के बारे में बाद में जानेंगे, ठीक है। वो क्या होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? हम पहले पढ़ चुके हैं क्या होता था वो, एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहां से एप्सिलॉन एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर मैं ये एप्सिलॉन एम की वैल्यू यहां पे पुट कर दूं तो देखो क्या होता है, सी एम इज इक्वल टू, सॉरी, हाँ सी एम ही है, 4 पाई के एप्सिलॉन नॉट आर, है ना। इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूं, के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इज इक्वल टू सी एम, ठीक है। अब देखो यहां से अगर मैं इतने की बात करूं तो ये किसके बराबर है? कैपेसिटेंस इन फ्री स्पेस के बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? सी एम इज इक्वल टू के सी, ठीक है। या अगर हम यहां पर भी सी नॉट लिखें तो सी एम इज इक्वल टू के सी नॉट, ठीक है। यहां से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? के इज इक्वल टू सी एम बाई सी नॉट, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल मिरर, सॉरी ये अभी 10th का करा था ना, तो स्फेरिकल मिरर वो बात वहां से जाना आ गई। तो कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर कितना होगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के बराबर होगा भाई, ठीक है। देखो भाई, अब देखते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, अर्थ का कैपेसिटेंस कितना है या अर्थ की कैपेसिटी कितनी है। देखो अर्थ भी क्या है? स्फीयर है,
ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है 6400 किलोमीटर, ठीक है, और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, सी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है इतना। तो देखो आर हमारे पास कितनी है 6400, इसको मीटर में चेंज कर ले 64 × 1000, ठीक है, कितना हो जाएगा 64 × 10⁵ मीटर कर दूं मैं। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹। अगर मैं इसको उधर ले जाऊं और इसको इधर लेके आऊं तो ये 1/9 × 10⁹ इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी, है ना। तो मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होगी 1/9 × 10⁹ × 64 × 10⁵, ठीक है, ये 10⁹ ऊपर चला जाएगा 64 × 10⁵ × 10⁻¹⁹ ÷ 9, कितना बच गया यहाँ पे 64/9 × 10⁻¹⁴, इतना हो गया। अब इसको कट करके देखो कितने पे कट जाएगा, 9 से ही डिवाइड कर लो इसको, 64 को 9 से डिवाइड कर लेते हैं हम, 9 × 7 = 63, 1.0, 9 × 1 = 9, 1 × 0 = 9, 1 × 0 यही चलता रहेगा, कितना आ गया 7.11, ठीक है, × 10⁻¹⁴, और यूनिट क्या होती है फैराड, जो कि कैपिटल एफ से लिखी जाती है। तो अर्थ का जो कैपेसिटेंस है वो कितना आ गया 7.11 × 10⁻¹⁴ फैराड आ गया, ठीक है। अब देखो मैंने बताया था कि भाई जो फैराड है ना वो बहुत बड़ी यूनिट है, ठीक है, स्मॉल यूनिट में लिखना पड़ेगा। अगर मैं लिखूं 7.11 × 100 × 10⁻¹⁴, तो ये क्या हो जाएगा, ये 10⁻², ऊपर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 7.11 × 10⁻¹⁴ × 10⁻², तो ये क्या बन गया 7.11 × 10⁻¹⁶, और 10⁻⁶ कहता है माइक्रो, ठीक है, माइक्रो होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻⁶ मल्टीप्लाई है किसी के साथ है, तो हो जाएगा माइक्रो फैराड, ठीक है, कितने माइक्रो फैराड चार्ज है, सॉरी कैपेसिटेंस है अर्थ का 711 × 10⁻⁶ माइक्रो फैराड, देखो कितना है और कितना आएगा, हटा दू क्यों, अच्छा माइक्रो में आ गया इसलिए, ठीक है ठीक है। देखो 10⁻⁶ लिखा गया है तो क्यों, क्या होता है वो माइक्रो होता है, ठीक है, तो ये बन ही गया भाई 711 माइक्रो फैराड, ये बिल्कुल ठीक है भाई, ठीक है, 711 माइक्रो फैराड चार्ज, मतलब अर्थ का जो कैपेसिटेंस है वो कितना 711 माइक्रो फैराड बस, ठीक है, उतार लो इसको, बाकी जो आगे करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए बाय।